वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कोरोना से जंग लड़ने के लिए 25 करोड़ की धनराशि का योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। इधर धनराशि का चेक उन्होंने आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सचिवालय स्थित कार्यालय में भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इसके बाद मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने प्रदेश के सभी व्यक्तियों, संस्थाओं व संगठनों से आग्रह किया है कि वैश्विक महामारी की वजह से पैदा हुए इस संकट में अपना यथासंभव आर्थिक योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष में दें, ताकि सरकार इससे पर्याप्त संसाधन जुटाकर मजबूती के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ सके। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 50 करोड़ की राशि कोरोना काल में मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हर साल पर्यावरण शुल्क लेता है, इससे हुई आमदनी से बोर्ड हमेशा सामुदायिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निर्वहन करता है। बोर्ड का कर्मियों के वेतन आदि समेत का खर्च 20 करोड़ रुपए है। इस व्यय के बाद शेष बची राशि का उपयोग जनहित में भी किया जाता है। इसी मत से आज मुख्यमंत्री राहत कोष में बोर्ड से 25 करोड़ की राशि का सहयोग प्रदान किया है। ये लगभग 300 हॉस्पिटल हमारे प्रदेश के अंदर ऐसे है, और अब 10 बेड की हमने व्यवस्था की तो लगभग ये समझ लीजिएगा 3000 बेड की कैपेसिटी पूरे प्रदेश में, जिसमें से 5 बेड ऑक्सीजन के हो जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी राहत मैं सोचता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी राहत हो जाएगी। लेकिन क्या समझेंगे डॉक्टर? मैं सोचता हूँ 300 डॉक्टर आज हम पे कम है, जिसपे हम फिलहाल उपनल से जो नेशनल हेल्थ मिशन के रेट हैं, जो भी वेतन मानदेय नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा दिया जा रहा है, उस वेतन मान पर, उस मानदेय पर हम उपनल के माध्यम से इन चिकित्सकों की भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल कमीशन से नियुक्तियां होने में समय लगेगा, लेकिन इस महामारी को ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है। और मैं सोचता हूँ कि 70 फार्मासिस्ट के पद हम पे खाली हैं, इसलिए हम लगातार जो ये प्रयास कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार की कोशिश है। देखिए, हमारा काम है बेहतर से बेहतर सुविधाएं जुटाना, बेहतर से बेहतर प्रयास करना, उचित प्रबंधन करना। देखिए, इसमें केवल सुविधाएं जुटाना महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने ऑक्सीजन सिलेंडर जुटा दिए, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर जुटा दिए, प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण, तो वो सारे प्रयास हम लोग कर रहे हैं, इसलिए किए जा रहे हैं कि जिससे कि हमारा मृत्यु दर कम हो। अब मैं जैसे उदाहरण दे रहा हूं, कल श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज में ईश्वर की कृपा से पिछले 2 दिन से कम मृत्यु हो रही है। कुरदार हॉस्टल में मैंने चेक किया, कम हुई, तो एक अच्छा, मुझे खुशी हुई कि भाई एक अच्छा संकेत है। एक संकेत में कल जॉली ग्रांड भी दसवाना जी से बात की थी, कल मैंने एम्स रविकांत डायरेक्टर एम्स से भी बात करी, तो कुछ थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि राहत जैसी स्थिति दिखे, हालांकि लेकिन कुछ ईश्वर की बद्री विशाल की कुछ आशीर्वाद हो रहा है कि थोड़ा सा जो है काफी हम। हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास सीमित साधन है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी चल सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दूसरी लहर के बाद कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। ऐसे में सरकार को दूसरी लहर से निपटने के साथ ही तीसरी लहर के लिए भी तैयार रहना है। एकजुट होकर और सामूहिक सहभागिता ही यह लड़ाई जीती जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को 1 साल से अधिक का समय हो गया है, हमें खुद को संभालने के साथ ही इस लड़ाई को जीतने में यथासंभव योगदान देना होगा। पर्याप्त धनराशि होने पर ही सरकार और अधिक संसाधन जुटा सकती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में राज्य सरकार पूरे प्रदेश, खासतौर पर पहाड़ी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, हर चिकित्सालय में ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर मुहैया करवा रही है, आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों व दवाइयों की खरीद बड़े पैमाने पर की जा रही है। नहीं, अगर आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जैसे हमने अपना टेंडर किया था, पिछले बार टेंडर किया था आयुष सुरक्षा किट के रूप में, क्योंकि ये जो क्रोनिन पंजाली की क्रोनिन मेडिसिन है, वो भी जिस तरह हमारा आयुष किट है, प्रतिरक्षा क्षमता को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में ही उसका प्रयोग हो रहा है। दवा जैसे
I-64 इलाज के लिए, आयुष सुरक्षा किट प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित करने के लिए, उसी तरह जो पंजली की वो दवाई जो राज्य सरकार, क्योंकि वो उसके लाइसेंस हमारे यहां से जारी होता है, तो उसको प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित करने के रूप में पंजली ने लाइसेंस लिया और उसी के रूप में उसकी दवाई को अनुमोदन और स्वीकृति दी। देखिए इस समय मैं जैसे परसों मैंने कोरदार में किसी पेशेंट के पिताजी की डेथ हुई तो वो बहुत भावुक में था, चिल्ला रहा था हॉस्पिटल पर, तो मेरी सीएमएस से बात हुई और ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर काला जो सीएमएस हैं कोरदार बेस्ड हॉस्पिटल के, उन्होंने कहा कि साहब जिस व्यक्ति का कोई परिजन की मृत्यु हो जा रही है तो स्वतः ही वो एक उसको, अब उसको तो सब खराब ही खराब लगता है ना, उसको लगता है कि भाई और अच्छी व्यवस्था होती तो भले ही अच्छी व्यवस्था हो, और हो सकता है कि बहुत अच्छे हायर क्या वेदांता या मैक्स या जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं एम्स, वहां नहीं मृत्यु हो रही, वहां भी मृत्यु हो रही है। तो लेकिन आदमी को लगता है कि आक्रोश में होता व्यक्ति, तो ये स्वाभाविक है। और ऐसे समय में मैं तो देखो बहुत झेल चुका हूं, मैंने केदारनाथ की आपदा में, गुप्त काशी में जिस दिन मैं 18 तारीख सुबह पहुंचा तो मुझे जानकारी नहीं थी कि वहां केदारनाथ, किसी को भी नहीं मालूम था केदारनाथ में क्या हो गया, सारे सिस्टम फेल हो गया था। तो जब मैं वहां हेलीकॉप्टर से वहां उतरा गुप्त काशी में, तो वहां लोगों ने, अब वहां पुलिस भी नहीं थी ना कोई वायरलेस है ना कोई व्यवस्था, लेकिन लोगों ने एक मंत्री के रूप में कि भाई हमारा गार्जियन है, तो लोगों का एक विश्वास, देखिए अब अगर कोई आक्रोश व्यक्त कर रहा है कहीं किसी पे, इसका मतलब वो भरोसे से कर रहा है, आप पे करेगा, हम पे करेगा, एक सामान्य मतलब आप पर भी इसलिए करेगा कि जैसे कि आप उसकी समस्या को प्रदेश और देश के सरकार के सम्मुख और मीडिया के माध्यम से उठा सको, अपने चैनल के माध्यम से उठा सको, लेकिन एक सामान्य आदमी थोड़ी कोई आक्रोश व्यक्त करेगा। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, स्वाभाविक है जब कोई इस तरह की आपदा आती है, इस तरह के, मैं तो देखे एक बार मेरे साथ गढ़वाल विश्वविद्यालय कुछ प्रोफेसर वगैरह गए थे, हम लोग कंबल वगैरह बांटने के लिए घनसाली और उस तरफ गए, स्थिति यहां तक आ गई कि जो हमारी महिला प्रोफेसर थी लोगों ने जो उनके सॉल थे वो तक ले लिए। तो एक आक्रोश होता है लोगों में, मैंने बहुत बार जब भी आपदा आती है कोई पीड़ित होता है वो किस पे अपना दुख व्यक्त करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आक्रोश हो रहा है तो वो कोई दुश्मनी है या कोई उनको वो हमसे कोई व्यक्तिगत रूप से बना रहे, उनको लगता है हम विधायक हैं, हम मंत्री हैं।